नमस्कार सभी मीडिया के साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और इस संकरी जगह के ऊपर आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें जो आपको असुविधा हो रही है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझे ये बताया गया कि ये पहली बार है जो जयपुर के अंदर राइजिंग राजस्थान के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 साल के अंदर पूरे देश और दुनिया के अंदर जो भारत के लिए एक बहुत पॉजिटिव माहौल बनाया, जिसके अंदर भारत में एक स्टेबल सरकार, एक ऐसी सरकार जिसके रिश्ते दुनिया के राष्ट्रों के साथ बहुत शानदार हैं, एक ऐसा संकल्प कि हम देश में ही निर्माण करें, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बड़ी मात्रा पे खर्च, चाहे वो रोड हो, पोर्ट हो, हवाई जहाज हो, हर तरह से, और साथ साथ इन अंतरराष्ट्रीय रिश्तों से जो हमने ट्रेड रिलेशंस बनाए हैं उसका फायदा उठाते हुए प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था भारत को बनना है, उसके अंदर हर राज्य का योगदान हो, और उसी रास्ते चलते राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार ने राइजिंग राजस्थान 9, 10 और 11 दिसंबर को रखा है। ये पिछली सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट समिट करा था उससे बहुत भिन्न है। पिछली सरकार ने अपने चौथे वर्ष में इन्वेस्टमेंट समिट करी थी। आप समझ सकते हैं जब पांचवें वर्ष के अंदर चुनाव में जाएंगे तो चौथे वर्ष में एक तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च करने का क्या लक्ष्य रहा होगा। सिर्फ अखबारों में सुर्खियों के लिए ये करा गया। हमने इसको पहली बार करा, पहले ही साल में करा, जहां आचार संहिता भी लगी थी, चुनाव भी थे, समय कम था, उसके बावजूद भी इस बड़ी चुनौती को हमने स्वीकार करा, क्योंकि हमें काम करना है, हमें राजस्थान के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बनाना है, हमें राजस्थान के युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना ही है, और इसको चलते हमने पहले ही साल में करा। ये बड़ा बदलाव था। दूसरा, एक इंटरनेशनल आउटरीच जो हमने करी है वो पिछली सरकारों से कहीं ज्यादा और बड़ी है। और जैसे मैंने कहा, जब दुनिया के अंदर भारत का एक बहुत पॉजिटिव माहौल प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे हुए हैं जिससे भारत को लाभ हो सकता है, तो उसके लिए उसमें राजस्थान का भी लाभ हो, इसलिए हमने एक मैसिव आउटरीच करा है। केवल आउटरीच ही नहीं, ये पहली बार है जहां 25 आईएएस अधिकारियों को हमने चिन्हित करा है जो अलग अलग राष्ट्रों के लिए जिम्मेदार रहेंगे। ये अधिकारी, इनका लोकल जिम्मेदारी राजस्थान में किसी भी विभाग की हो, वो जिम्मेदारी भले ही बदले लेकिन उसके बावजूद भी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी उनकी उसी राष्ट्र की रहेगी। ऐसे 25 अधिकारी हमने चिन्हित करे। हमने राज्यों के लिए भी अलग अलग जिम्मेदारी निश्चित कर दी। देश के अंदर जो दूसरे प्रदेश हैं उसमें कौन सा अधिकारी जिम्मेदार रहेगा वो भी हमने चिन्हित कर दिया है। ये पहली बार होगा कि राइजिंग राजस्थान जो इन्वेस्टमेंट समिट, ग्लोबल इंटरनेशनल समिट हो रही है, उसमें एक दिन 11 तारीख को नॉन रेजिडेंट राजस्थानियों का समिट होगा। समिट, जैसे आप जानते हैं, नॉन राजस्थानी समिट पहले भी होते थे, लेकिन हमने इसको इन्वेस्टमेंट समिट के साथ जोड़ा है, क्योंकि राजस्थानियों में जो हमारे प्रदेश में रहते हो या बाहर रहते हो उनमें बहुत जबरदस्त काबिलियत है बिजनेस की और मैन्युफैक्चरिंग की, तो हमने उनको इसमें साथ में जोड़ा है। इस बार पहली बार जो 2022 का आईएएस बैच है उसके 10 अधिकारियों को इंडस्ट्री विभाग के अंदर जिम्मेदारी दी है ताकि वो इन्वेस्टमेंट समिट को और बेहतर तरीके से कर पाए। इन्वेस्टमेंट समिट होने से पहले, यानी 9, 10, 11 दिसंबर से पहले,
9 विभाग ऐसे होंगे जिनके प्री समिट होंगे, जो इंडस्ट्रीज, जो बिजनेसेस रिन्यूएबल एनर्जी के साथ काम करना चाहता है, जो बिजनेसेस आपके टेक्सटाइल विभाग से काम करना चाहता है, जो बिजनेसेस एग्रीकल्चर विभाग के साथ काम करना चाहते हैं, उनके समिट से पहले प्री समिट होंगे। ये बड़े बड़े अंतर हैं जो पिछली कोई भी इन्वेस्टमेंट समिट जो राजस्थान में हुई है उससे अलग है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो इस बार अलग है वो है पॉलिटिकल विल, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति कि हमें जो जिम्मेदारी राजस्थान ने दी है उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो जरूरत पड़े उसको करना जरूरी है। ये पॉलिटिकल विल ही है जिसने इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खोले। मैंने मुंबई में भी कहा था और यहां आपके सामने भी कह रहा हूं, राजस्थान के दरवाजे खुले हुए हैं। राजस्थान में एक ही वीआईपी है जो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। यही समय है राजस्थान में आने का। और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो बिना बिजनेस के भी अगर आप आओ तो बहुत ही शानदार प्रदेश। यहां स्टेबिलिटी है, वातावरण अच्छा है, टूरिज्म में शानदार है और अब अवसर है यहां पर बिजनेस के लिए भी आने का। इसमें जैसे मैंने कहा हम 9 राष्ट्रों के अंदर ये समिट कर रहे हैं, राइजिंग राजस्थान समिट कर रहे हैं। वहां पर उनसे बातचीत करेंगे, उनके मंत्रियों से, उनके अधिकारियों से, उनके बिजनेसेस से, और उनको राजस्थान में अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए आमंत्रित करेंगे। उसी के साथ साथ हम देश के अंदर भी, पहला मुंबई में हुआ, अभी 30 सितंबर को दिल्ली के अंदर राइजिंग राजस्थान समिट होगा, जिसके अंदर 2 दिन में से एक दिन केवल 50 एम्बेसडर्स के साथ मुलाकात होगी। उसी तरह चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, इन सभी जगहों पर भी राइजिंग राजस्थान समिट होगा। हमने एक और बहुत बड़ी चीज करी है, जैसे मैंने कहा जहां पॉलिटिकल विल होती है, इच्छा शक्ति होती है, वहां थोड़ा होमवर्क भी करना पड़ता है। आप केवल उद्योगपति को इनवाइट नहीं कर रहे, उनकी जो समस्याएं रहती हैं उसका समाधान उनके आने से पहले कर रहे हैं। हमने अपने राजस्थान के अंदर 21 नई पॉलिसीज बनाई हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी, डेटा सेंटर पॉलिसी। आप जिस जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है यहां पे हाई सिक्योरिटी है ये, और मैं आपको कहना चाहूंगा कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वसुंधरा जी की सरकार ने ये बनाया था, ये अपने समय से 10 साल आगे का ये डेटा सेंटर है। आज भी दूसरे प्रदेश का डेटा यहां पर है, आपको ये जानकर गर्व होना चाहिए, दूसरे प्रदेशों का डेटा हम रखते हैं, कुछ बैंकों का डेटा हम यहां रखते हैं, और ये हाई सिक्योरिटी है, उसी वजह से यहां वाईफाई की समस्या है, बैरियर्स लगे हुए हैं। तो डेटा सेंटर पॉलिसी, ऐसे अनेकों पॉलिसीज हैं, और 7 पॉलिसीज के अंदर बदलाव है, जैसे लैंड एग्रीगेशन पॉलिसी। पिछली सरकार ने रीको के अंदर जो पैसा बनाया, और वो मैंने विधानसभा में कहा है कि वो पैसा कहां इस्तेमाल हुआ, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोड़ देते हैं उस बात को। जो पिछली सरकार ने रीको के अंदर पैसा बनाया वो जमीन बेच के बनाया। आप अगर जमीन को ऑक्शन करेंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी तो खरीदने वाला उसको केवल रियल एस्टेट के लिए इस्तेमाल करेगा, यानी जमीनें बिकी लेकिन इंडस्ट्री नहीं आई। पिछली सरकार के अंदर कुछ लोग, कुछ अधिकारी, कुछ नेता इन्वेस्टमेंट के अंदर पर्सनल स्वार्थ देख रहे थे। हम राजस्थान का स्वार्थ देख रहे, राजस्थान पार्टनर बनेगा जितना इन्वेस्टमेंट होगा। अगर हम जमीन किसी को देते हैं, कोई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, कोई इंडस्ट्री लेकर आ रहा है जिससे राजस्थान को फायदा होगा, राजस्थान के युवाओं को फायदा होगा, उसको हम जमीन कम कीमत पे देंगे, इसका मतलब राजस्थान पार्टनर बन रहा है उस बिजनेस के अंदर, राजस्थान के युवा उसमें पार्टनर बन रहे हैं और लॉन्ग टर्म तक उसका राजस्थान को फायदा होगा। इस तरह से हमने लैंड एग्रीगेशन पॉलिसी और अनेकों पॉलिसीज हमने चेंज करे। पहले 5 महीने की सरकार के अंदर हमने ये तय कर दिया कि पहले ये कानून था कि रीको के बगल में अगर कोई अपना इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर नहीं लगा सकता,
उसको एनओसी लेनी पड़ती है रिको से, हमने उसको हटा दिया। अब नया इंडस्ट्रियल पार्क रिको की दीवार के साथ आ सकता है और किसी से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं। कई सेक्टर थे जिसके ऊपर राजस्थान फोकस करेगा, टूरिज्म, टेक्सटाइल, आईटी और आईटी सर्विसेज जिसमें डेटा सेंटर्स, हाइपर डेटा सेंटर्स शामिल हैं, एग्रो प्रोसेसिंग, हमारे यहां श्री अन्न होता है उसके अंदर और उस फूड चेन के अंदर वैल्यू ऐड करें जिसको कृषि प्रसंस्करण भी कहते हैं, एग्रो प्रोसेसिंग, एजुकेशन और स्किल, हमारे यहाँ एजुकेशन को फोकस, स्किलिंग के ऊपर फोकस हो, ये हमारे सेक्टर्स हैं। इंजीनियरिंग सिस्टम्स, डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग ESDM हो, लॉजिस्टिक्स हो, हमारे ऑटो और ईवी के पार्ट्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, मिनरल्स और माइंस हो, ये सारे हमारे विशेष सेक्टर्स हैं। और खास तौर से नए युग के जो सेक्टर्स हैं उसमें हाइड्रोकार्बन के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एग्जीक्यूशन प्लांट्स, उसके साथ हाइड्रोकार्बन और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर पंप स्टोरेज का भी, पंप और बैटरी स्टोरेज का भी हम उसमें इंसेंटिव दे रहे हैं। ये सभी जो मैंने आपको बताया, जो एक एक पॉलिटिकल विल के साथ हमने तय कराया कि हम इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएंगे, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि राजस्थान के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लाखों में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कोई फैक्ट्री आए उसके साथ छोटी छोटी कई फैक्ट्रीज हमारे युवाओं की लगे, कोई फैक्ट्री आए, कोई टेक्नोलॉजी आए उसमें हमारा कोई युवा उसमें पार्टनरशिप करे, कोलैबोरेशन करे, कोई फैक्ट्री या कोई आए तो उसकी सर्विसेज जो होती हैं, चाहे खाने पीने की हो, चाहे लॉजिस्टिक्स की हो, वो सर्विसेज हमारे युवा प्रोवाइड करें। आज एक तिहाई हिस्सा फ्रेट कॉरिडोर का एक तिहाई हिस्सा राजस्थान में से होकर निकलता है, 1500 किलोमीटर में से 500 किलोमीटर राजस्थान में से होकर निकलते हैं। भगवान की सूर्य की कृपा है जो इतना शानदार यहाँ सोलर एनर्जी हो सकती है, विंड एनर्जी हो सकती है। आज दुनिया को कार्बन फुटप्रिंट कम करना है। अब एक उदाहरण दूं मैं, स्विट्जरलैंड के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा वो अपने आप में दुनिया के अंदर अनोखा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसके अंदर स्विट्जरलैंड, आप जानते हैं, छोटा सा राष्ट्र है, टेक्नोलॉजी में बहुत आधुनिक है, लेकिन वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकता, उनके पास मार्केट भी नहीं है, सैचुरेट हो गया। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो स्विट्जरलैंड के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा है उसमें अगले 10 साल के अंदर स्विट्जरलैंड की सरकार को $100 बिलियन भारत में निवेश करने, टेक्नोलॉजी भी लानी है और पैसा भी लगाना है। ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपने कभी नहीं देखा होगा। तो इसमें राजस्थान को सबसे अग्रणी प्रदेश बनना है जहां हमारे पास लैंड भी है और हमारे पास मार्केट भी है। तो जैसे मैंने कहा, ये सारा जो राइजिंग राजस्थान हमारा इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है उसमें नई चीजें हुई हैं, नए प्रयोग हो रहे हैं, और एक पॉलिटिकल विल के साथ हम राजस्थान के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लाना चाहते हैं, चाहे वो स्टार्टअप्स हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप। स्टार्टअप्स आप जानते हैं कि जब एक माहौल बनता है, जब कंपनीज काम करने आती हैं, उन कंपनी को सर्विस देने के लिए स्टार्टअप्स आ जाते हैं, वो माहौल हम राजस्थान के अंदर बनाएंगे। आप सबको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आप सबको असुविधा हुई उसके लिए मैं फिर से माफी चाहता हूँ। सब कुछ है अपने पास। हाँ, तो पिछली सरकार ने जो MOUs करे थे वो फाइलों में है, और हम ये यकीन करना चाहते हैं कि हम MOUs को जीवंत करेंगे। हम राइजिंग राजस्थान में MOU के साथ साथ ग्राउंड ब्रेकिंग भी करेंगे, और संभव है कि 9, 10, 11 दिसंबर से पहले कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो जाएगी। जिस गति से काम हो रहे हैं, जिस गति से फाइलें क्लियर हो रही हैं, ये दर्शाता है कि एक पॉलिटिकल इच्छा शक्ति से राजस्थान में काम हो रहा है। क्या चल रही है साहब, कि आप तो जयपुर में मौजूद हैं और मुख्यमंत्री के साथ में परिवहन मंत्री जापान में जाके इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, तो ये किस तरीके से सार्थक हो पाएगा? आशीष जी, ये टीम वर्क है, इसी को कहते हैं शानदार टीम वर्क। जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी कोई रहे,
राजस्थान की जनता को भी ये संदेश मिले कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, और कुछ की जिम्मेदारी हो जापान में जाने की, कुछ की साउथ कोरिया में जाने की, कुछ अभी हमारा एक डेलीगेशन जाएगा गल्फ कंट्रीज, ये अलग अलग जिम्मेदारियों से काम कर रहे हैं। ये शानदार टीम वर्क का उदाहरण है विद अ पॉलिटिकल विल कि इन 5 साल के अंदर हम राजस्थान के अंदर बदलाव लाकर ही रहेंगे।